स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए मैं पार्ट थ्री लेकर आया हूँ जो कि CHO इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लेना जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपको जैसा मालूम होगा ही मैं इसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो सिलेबस है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इसमें मैं डाल रहा हूँ। और दोस्तों मुझे जितना लगा आप लोगों को सबको ये वीडियो पसंद भी आ रहा है तो मैं आगे इसके पार्ट बनाते रहूँगा। दोस्तों आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज़ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चाइल्ड? ऑप्शन ए है दोस्तों हेड सर्कमफेरेंस, बी मिड आर्म सर्कमफेरेंस, सी चेस्ट सर्कमफेरेंस और डी है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट एंड वेट। दोस्तों बच्चों में न्यूट्रिशनल स्टेटस को जानने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर कौन सा है यह पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो राइट आंसर होने वाला है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट एंड वेट। बच्चे की जो है इंक्रीज हाइट और वेट कैसे हो रहे हैं उसको देख के ही अपन उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो जान सकते हैं। बेस्ट इंडिकेटर है ये। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों यहाँ पे द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल लीजन इन नॉर्थ इंडिया इज। तो दोस्तों ऑप्शन ए है यहाँ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, बी क्लब फुट, सी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और डी है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो दोस्तों यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल लीजन है। मतलब यह है नॉर्थ इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। टाइम ट्रेवल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस इज नोन एज। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी केस के बीच में जो टाइम होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है हम यहाँ पे देखते हैं एक्सट्रेंसिक इंक्यूबेशन पीरियड और बी है इंट्रेंसिक इंक्यूबेशन पीरियड और सी है सीरियल इंक्यूबेशन पीरियड और डी जहाँ होने वाला है विंडो पीरियड। तो दोस्तों यहाँ जो आपका राइट आंसर है सीरियल इंटरवल जो है ऑप्शन सी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय पब्लिक हेल्थ नर्स इज लाइकली टू इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ऑप्शन ए है लिमिट पीपल फ्रॉम NGOs, बी रेफर टू द फिजिशियन फॉर प्रेस्क्रिप्शन, सी लिसन टू पीपल व्हेन दे रिलेट देयर प्रॉब्लम्स और डी है यहाँ इनकरेज रिलेशन स्पॉन्सरशिप फॉर पार्टिसिपेशन। तो दोस्तों यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है लिसन टू पीपल व्हेन दे रिलेट देयर प्रॉब्लम्स। दोस्तों अब हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट। दोस्तों प्राइमरी हेल्थ केयर में जो इसेंशियल एलिमेंट्स है वो क्या है इनके अलावा एक्सेप्ट यहाँ दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन ए है मल्टी सेक्टरल अप्रोच, बी यहाँ है क्वालिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स, सी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और डी है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। दोस्तों यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है क्वालिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर, जो हेल्थ प्रोवाइडर की क्वालिफिकेशन है उसके अलावा ये सब इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन मस्ट बी इम्फेसाइज्ड स्ट्रेंथ टू हेल्थ केयर सिस्टम इन द कंट्री। तो दोस्तों ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी टू बी हेल्थी, बी फाइनेंसिंग नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम और सी लेट पीपल मैनेज देयर ओन हेल्थ और डी है सपोर्टिंग एनवायरनमेंट फॉर हेल्थी हैबिट्स।
दोस्तों यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यहाँ पे आपका राइट आंसर है फाइनेंसिंग नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। द फोकस ऑफ सेकेंडरी हेल्थ केयर इज, सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए हम किस पे फोकस करते हैं? ऑप्शन ए है अर्ली डिटेक्शन, बी अर्ली डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट, सी प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर, और डी है इम्यूनाइजेशन फॉर प्रिवेंटेबल डिजीज। दोस्तों यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है, अपन कहेंगे अर्ली डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट जो है वो सेकेंडरी हेल्थ केयर को फोकस करता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास। हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिजीज, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ। ऑप्शन ए है इंटरपर्सनल मॉडल, बी होलिस्टिक मॉडल, सी बायोमेडिकल मॉडल, और डी यहाँ है इकोलॉजिक मॉडल। दोस्तों यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होने वाला है बायोमेडिकल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 आपका है। द सब्जेक्टिव कॉम्पोनेंट ऑफ वेल बीइंग इज नोन एज, ऑप्शन ए क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन इनटेक, बी क्वालिटी ऑफ लाइफ, सी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और डी है ऑल ऑफ द अबोव। तो दोस्तों यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होने वाला है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 50, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट, ऑप्शन ए एसेसिबिलिटी, बी इनहेबिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और सी अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डी है इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के जो प्रिंसिपल्स हैं, इसके अलावा इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका प्रिंसिपल नहीं है प्राइमरी हेल्थ केयर का। एसेसिबिलिटी है, अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, और इंटरसेक्टरल कोलैबोरेशन आपका जो है, ये सभी प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 51। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अल्मा आटा वॉज कंडक्टेड इन द ईयर, जो अल्मा आटा जो हेल्थ केयर जो आपका लॉन्च हुआ था, कंडक्ट हुआ था, वो कौन से ईयर में हुआ था दोस्तों? दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो रहा है 1978 में जो है ये कंडक्ट हुआ था। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन स्टडीज, ऑप्शन ए अर्ली डायग्नोसिस, बी हॉस्पिटलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट, और सी है रिहेबिलेशन, और डी हेल्थ एजुकेशन। दोस्तों आपका यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन डी हेल्थ एजुकेशन जो है प्राइमरी प्रिवेंशन स्टडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड ऑफ हेल्थ प्रमोशन, ऑप्शन ए बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, बी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सी इम्यूनाइजेशन, और डी है न्यूट्रिशन एजुकेशन। तो दोस्तों यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है, इम्यूनाइजेशन राइट आंसर है। इम्यूनाइजेशन जो है हेल्थ प्रमोशन का मेथड नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 54। हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट, दोस्तों यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, कई बार सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है। एम्स की बात करो या सीएचओ की बात करो या रेलवे की बात करो, लगभग सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, राइट आंसर यहाँ अपने पास है जिनेवा स्विट्जरलैंड। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लेना जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 55 की। तो यूनिसेफ वाज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर, तो यूनिसेफ जो है वो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश्ड हुआ, 1946 में। आगे हम बात करते हैं 56 क्वेश्चन की, वो फाउंड द लिंक बिटवीन कोलेरा एंड कंटामिनेटेड वाटर, जो कोलेरा डिजीज़ है और उसका कंटामिनेटेड वाटर से संबंध है, ये कौन से वैज्ञानिक ने जाना था। ऑप्शन ए है लुईस पाश्चर, बी रोनाल्ड रॉस, सी एडवर्ड जेनर और डी है जॉन स्नो। तो दोस्तों यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है, जॉन स्नो ने यह डिक्लेयर किया था, जाना था कि कोलेरा जो है वो कंटामिनेटेड वाटर से हो रहा है, इन दोनों के बीच संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 57, मलेरिया पैरासाइट्स कवर्ड बाय, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो चुका है, यहाँ आपका क्वेश्चन है मलेरिया पैरासाइट्स वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुआ, मलेरिया पैरासाइट जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया। ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, बी लुईस पाश्चर और सी है लार्वन और डी है रोनाल्ड रोज। तो दोस्तों यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी लार्वन लेविरन जो है उसने वैज्ञानिक ने यह डिस्कवर किया था। 58 क्वेश्चन है हमारा, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय, ऑप्शन ए लुईस पाश्चर, बी एडवर्ड जेनर, सी पाउल एंगेज और डी है जॉन स्नो। दोस्तों यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है एडवर्ड जेनर जो है स्मॉल पॉक्स के इन्वेंटेड है, उन्होंने इन्वेंशन किया था इसका। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फादर ऑफ इंडियन सर्जरी इज, इंडियन सर्जरी में जो है उसके फादर कौन है, धन्वंतरी, चरक, सुसूत्रा और अट्रिया। दोस्तों यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है सुसूत्रा ने जो है जनरल सर्जरी यानी इंडियन सर्जरी को जो है इन्वेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60, द ग्राम थ्योरी ऑफ डिजीज वाज प्रोपोंडेड बाय, तो दोस्तों यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन लुईस पाश्चर जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होने वाला है। जो जर्म थ्योरी है वो किसने दी थी, लुईस पाश्चर ने। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आगे मैं आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ के क्वेश्चंस लेके आऊँगा और उसकी थ्योरी भी आपको लेके आऊँगा, आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, गुड बाय।